भारतीय इतिहास में मंगल पांडे एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने ब्रिटिश राज से देश को छुटकारा दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे कभी कभी सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। अधिक जानकारी देते हुए भाजपा जिला सोलन के मीडिया प्रभारी मुकेश गुप्ता ने बताया कि मंगल पांडे द्वारा देश की स्वतंत्रता में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्हीं वीर जवानों की वजह से हमें आजादी मिली है। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से पहले ही फांसी दे दी गई थी। साथ ही मुकेश गुप्ता ने बताया कि इन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान से आज हम स्वतंत्र भारत में शांतिपूर्ण तरीके से रह पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आजादी के लिए लड़ने वाले नायक मंगल पांडे जी को नमन करता हूँ। मंगल पांडे जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि 1857 के अंदर मंगल पांडे जी ने भारत में प्रथम जो संविधान संग्राम था उसके लिए महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में 34वें बंगाल इन्फेंट्री के अंदर में एक सिपाही थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें बागी करार दिया और उनके लिए फांसी की सजा सुनाई, जो कि उनको 18 अप्रैल 1857 निश्चित की गई थी। लेकिन अंग्रेजों का मंगल पांडे जी का इतना जो भय था, उस भय को देखते हुए उन्होंने उनके समय से पूर्व ही 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी और वो अपने हमारे देश भारत के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। और ऐसे ही महानायक जो हमारे मंगल पांडे जी थे, आज ऐसे ही वीरों के कारण, ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों के कारण आज हम एक आज़ाद भारत में रह रहे हैं और खुली सांस ले रहे हैं। मैं उनके इस तिथि पर उन्हें सत सत नमन करते हुए अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी पुष्पांजलि देता हूँ। भारतीय इतिहास में मंगल पांडे एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने ब्रिटिश राज से देश को छुटकारा दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे कभी कभी सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। अधिक जानकारी देते हुए भाजपा जिला सोलन के मीडिया प्रभारी मुकेश गुप्ता ने बताया कि मंगल पांडे द्वारा देश की स्वतंत्रता में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्हीं वीर जवानों की वजह से हमें आजादी मिली है। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से पहले ही फांसी दे दी गई थी। साथ ही मुकेश गुप्ता ने बताया कि इन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान से आज हम स्वतंत्र भारत में शांतिपूर्ण तरीके से रह पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आजादी के लिए लड़ने वाले नायक मंगल पांडे जी को नमन करता हूँ। मंगल पांडे जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि 1857 के अंदर मंगल पांडे जी ने भारत में प्रथम जो संविधान संग्राम था उसके लिए महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में 34वें बंगाल इन्फेंट्री के अंदर में एक सिपाही थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें बागी करार दिया और उनके लिए फांसी की सजा सुनाई, जो कि उनको 18 अप्रैल 1857 निश्चित की गई थी। लेकिन अंग्रेजों का मंगल पांडे जी का इतना जो भय था, उस भय को देखते हुए उन्होंने उनके समय से पूर्व ही 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी और वो अपने हमारे देश भारत के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। और ऐसे ही महानायक जो हमारे मंगल पांडे जी थे, आज ऐसे ही वीरों के कारण, ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों के कारण आज हम एक आज़ाद भारत में रह रहे हैं और खुली सांस ले रहे हैं। मैं उनके इस तिथि पर उन्हें सत सत नमन करते हुए अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी पुष्पांजलि देता हूँ।